है। बोली भागवत महापुराण की, भक्ति मैया की। भक्ति मैया ने पूछा सनत कुमार जी से कि मैं कहाँ रहूं, तब उन्होंने कहा कि आप भगवत भक्तों के हृदय में निवास करें। भक्ति मैया ने वरदान दिया, भागवत की वजह से मेरे बच्चों का बुढ़ापा दूर हुआ है, इसलिए आज के बाद जहाँ कहीं भागवत होगी मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ जाऊंगी और जब तक भागवत होगी तब तक उपस्थित रहूंगी। भक्ति मैया जहाँ कहीं भागवत की कथा होती है पांडाल में तब तक उपस्थित रहती हैं जब तक भागवत की कथा होती है। अगर वक्ता हूँ महाराज सनत कुमार जी के जैसा और श्रोता हूँ महाराज ज्ञान वैराग्य जी के जैसा, तो बुढ़ापा आज भी दूर हो सकता है कि वही भागवत है। भागवत सुनने से बुढ़ापा तक दूर हो सकता है, और जिसका उदाहरण जिसका प्रमाण है ज्ञान वैराग्य की पावन कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अगर ज्ञान वैराग्य के जैसे कोई कथा श्रवण करता है तो बुढ़ापा 100% दूर हो सकता है। 100% की बात क्लियर है, सत्य है। जैसी कृपा भागवत जी की भगवान जी की ज्ञान वैराग्य पर हुई, हम आप सब पर हो ऐसी कामना है। और इसी के साथ